नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। सुरकारी हेडलाइंस। प्रदेश नंबर दो में मधेसी गठबंधनक सरकार बनबाक निश्चित, फोरम आ राजपा नेपाल दूत सहमति। अपनाओ पर व्यंग प्रहार निकर माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष प्रचंडक चेतावनी, स्वयं कखनो बदल सकबाक कहब। नेपाल के व्यापार गणा बढ़त गेल में उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन द्वारा चिंता व्यक्त, चीन संगे के व्यापार वृद्धि होत गेल में खुशी। वरिष्ठ चिकित्सक केसी द्वारा प्रधान न्यायाधीश पराजुली के राजीनामा मांग, नियुक्ति बद्दर का कानूनी कार्रवाई करा पर बाग दावी। आ जनकपुर के पराजित करित विराटनगर जीतलक, दोसर शहीद कप के उद्घाटन मैच। आप समाचार विस्तार से। संघीय समाजवादी फोरम आ राजपा नेपाल बीच प्रदेश नंबर दू के पद में भाग बंडा मिलल। आ प्रदेश नंबर दू में मधेसी गठबंधन के संयुक्त सरकार बनबाक निश्चित भ गेल। दूटा दल के संयुक्त सरकार बनत। फोरम के कार्यालय तीन कोने में शनि दिन भेल वार्ता में पद के भाग बंडा मिल गेल। सहमति अनुसार 29 सांसद रहल फोरम, मुख्यमंत्री सहित उपसभामुख आ 3 मंत्रालय पाउत। फोरम के भाग में आंतरिक मामला तथा कानून, आर्थिक मामला तथा योजना आ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय समेत देव के सहमति भेल। तेना राजपा के भाग में सभामुख संगे भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास आ उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्रालय पड़ल। प्रदेश सभा में राजपा के 25 सांसद है। राजपा के सभामुख भेटल फोरम के मुख्यमंत्री आ उपसभामुख भेटल। फोरम संसदीय दल के नेता में लाल बाबू राउत चयन कर चुकल, ओ आब मुख्यमंत्री भ जायत निश्चित भेल। फोरम आ राजपा प्रदेश नंबर दू के प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा में गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ल छल। जनकपुर में भेल दू दलक शीर्ष नेता सभक वार्ता में मिलकर सरकार बनाब सहमति भेल रहितो पद भाग बंडा मिल नहीं सकल छल। राजपा मुख्यमंत्री में बेराबेरी करा पड़बाक, नेहत सभामुख सहित प्रमुख मंत्रालय सब अपना सबके पावा पड़बाक मांग रखने छल, मुदा शनि दिन राजपा किछ लचीलगर भेला के बाद सहमति जुटि गेल। राजपा अध्यक्ष मंडल के सदस्य महेंद्र राय यादव इस सहमति 5 कार्यकाल के लिए रहल धारणा रखले। माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल आगामी सरकार किसान के हक हित के संरक्षण आ प्रवर्धन के प्राथमिकता में रहकर नीति नियम बनेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। चितवन के रामनगर में शनि दिन नेपाल अंडा उत्पादक संघ के अधिवेशन उद्घाटन तथा भवन शिलान्यास करित अध्यक्ष दहाल आगामी सरकार आम किसान के हक हित में काम करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। विकसित देश बजट के नमहर हिस्सा किसान के अनुदान सहायता में द रहल आ छुटिया रहल दृष्टांत पेश करित हो कृषि आ किसान के हित में काम कर पड़बाक आवश्यकता में जोर दिलन। वो एन नियम परिवर्तन के कहत तैयो आगामी सरकार सब किसान के विशेष अनुदान सहायता उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता जाहिर केने छलखिन। किसानहरुको हक हितको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कुरा पनि सँगसँगै राज्यले त्यसको जिम्मेवारी पनि लिनु छ। म तपाईहरु यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण किसान साथीहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने आउने सरकार या पार्टीको नेतृत्वको तर्फबाट आम किसानहरुको हक हितलाई प्रधानता दिएर नै नीति नियम बनाउने र उनीहरूको व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नेतिर ध्यान दिइनेछ, यो विश्वास म तपाईहरूलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अस्थिर कहिका अपना पर व्यङ्ग प्रहार निकर समेत चेतावनी देलनि। हमरा व्यङ्ग करा आवश्यक नै अछि। चितवनमे शनि दिन आयोजित कार्यक्रममे ओ कहलनि, हम एखन जतय छी ओतयसँ देशके हित नै हैत से हमरा जँ लागत तऽ कखनो हम बदलि सकै छी से ओ कहलनि। किएक तऽ प्रचण्ड आब एहन आदमी भऽ गेल अछि, दिक्कत पड़ लागल पर कोनो उपाय निकालि सकैए, केहनो स्थितिमे अगाडि बढ़ि सकैए। कहैत ओ वाल्मीकि पहिने डाकू आ छल, बुद्ध धर्म के स्थापित करवला राजा अशोक समेत युद्ध कमांडर छल, स्मरण करौने छलथि। अपन स्थिति समेत आरो पार्टी आ नेता सबसँ फरक रहल कहित माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, फरक भेल में अपना के गर्व रहल धारणा रखले। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन नेपाल के व्यापार घाटा बढ़त गेल में चिंता व्यक्त कलने। उपराष्ट्रपति पुन चीन संगे के व्यापार घाटा चालू आर्थिक वर्ष के पहल 6 में 66.30 अरब पहुँचल तथ्यांक पेश करित वही देश के समृद्धि के लिए सुखद संकेत नहीं भेल ओ स्पष्ट कलन। शनि दिन काठमांडू में आयोजित नेपाल हिमालयन सीमापार वाणिज्य संघ के 18 वार्षिक साधारण सभा के संबोधन करित ओ देश के समृद्ध बनाब आयात व्यापार के घटबित लजाय पड़बाक में जोर दिलन। उपराष्ट्रपति पुन चीन संघ के व्यापार वृद्धि होत गेल में खुशी व्यक्त कने छलथि।
नेपालको व्यापार घाटा निकै उच्च बन्दै गएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा चीनसँगको व्यापार घाटा 66 अरब 30 करोड पुगेको छ। निरन्तरको आयात वृद्धिले व्यापार घाटा उच्च बिन्दुमा पुगी व्यापार असन्तुलन हुनु नेपाली अर्थतन्त्रको लागि भने सुखद पक्ष पक्कै पनि होइन। हाम्रा निर्यात वृद्धि गरी आयात निर्यातमा भएको असन्तुलन कम गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता तत्कारण देखिन्छ। महिला तथा सज्जन ब्रेन कुनै पनि देशको आर्थिक उन्नतिको दिशानिर्देश त्यस देशले गर्ने निर्यात व्यापारले गरेको हुन्छ। जुन देशको निकासी बलियो हुन्छ त्यस देशको आर्थिक उन्नति छिट्टै हुने गर्दछ। हाम्रा दुई छिमेकी देश चीन र भारतले निर्यात व्यापारमा फट्को मारेर नै तीव्र गतिमा आर्थिक उन्नति गर्न सकेको कुरा तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ। आजको गतिशील र प्रतिस्पर्धात्मक युगमा विश्व अर्थतन्त्र मूलत व्यापारबाटै निर्देशित छ। कार्यक्रममा बजेट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ वाम गठबन्धन नेतृत्वमा बनेवाला नयाँ सरकारसँग देशमा आर्थिक उन्नतिकै जग बैसाउत से विश्वास व्यक्त कलेन। वो नया सरकार बनला के बाद इसमें राजनीतिक स्थायित्व कायम होबाक आर्थिक समृद्धि के आधार तय होबाक धारणा रखने छलैत। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स के उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नया सरकार बनला के बाद देश के समृद्ध बनेबाक व्यवसायिक वातावरण बनत से विश्वास व्यक्त कने छल। व्यवसायी लोकन चीन संगे के व्यापार घाटा कम कर सरकार पूर्वाधार विकास में जोर देव परबाक आवश्यकता में जोर देने छलैत। प्रदेश नंबर 3 के प्रदेश सभा सभामुख में सानू कुमार श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित भेलाछ। प्रदेश सभा के शनि दिन बैसल दोसर बैसारसँग एमालेक सानू श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित भेलनि। बैसार के अध्यक्षता कऽ रहल ज्येष्ठ सदस्य डोरमणि पौडेल श्रेष्ठ के मात्र उम्मेदवारी पड़लासँ निर्विरोध निर्वाचित भेल घोषणा कयने छलथि। श्रेष्ठ के नेकपा माओवादी केन्द्रक सालिक रामजमर कट्टे सभामुख में निर्वाचित कयल जाएक प्रस्ताव पेश कयने छलथि। अहिबीच ज्येष्ठ सदस्य पौडेल नवनिर्वाचित सभामुख श्रेष्ठ के बधाई देलनि अछि। एमाले पोलिट ब्यूरो सदस्य श्रेष्ठ काठमांडू क्षेत्र नंबर 2 के प्रदेश क सँ प्रदेश सभा सदस्य में निर्वाचित भेल छलथि। वो तत्कालीन काठमांडू जिला विकास समिति के सभापति के जिम्मेवारी समेत सम्हारि चुकल छथि। प्रदेश नंबर 3 के उपसभामुख के निर्वाचन रवि दिन 2 बजे बजाओल गेल अछि। वाम गठबंधन में आबद्ध एमाले माओवादी केन्द्र बीच भेल समझदारी अनुसार माओवादी केन्द्र सँ उपसभामुख चयन कयल जायत। अहिबीच प्रदेश नंबर 3 प्रदेश सभा सचिवालय रवि दिन 2 बजे प्रदेश सभा उपसभामुख के निर्वाचन होबाक सूचना जारी कयलक अछि। एम्हर प्रदेश नंबर 7 के सभामुख में एमाले के अर्जुन बहादुर थापा निर्विरोध निर्वाचित भेलनि अछि। सभामुख के लेल वाम गठबंधन के थापा के मात्र उम्मीदवारी पड़ला के बाद निर्विरोध निर्वाचित भेल छलनि। थापा के प्रस्तावक में दीर्घ सोडारी तहिना समर्थक में त्रिलोचन भट्ट रहल छलथि। थापा दल सब के भावना बुझ के अगाड़ी बढ़ब धारणा रखलनि। 62 वर्षीय थापा बझांग 1 के क सँ प्रदेशसभा सदन सांसद में विजय भेल छलथि। 2036 साल में शिक्षक संगठन से राजनीति में प्रवेश कने थापा 2056 के आम चुनाव में प्रतिनिधि सभा सदस्य में पराजित भेल छलथि। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गोविंद केसी प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुली के राजीनामा माग कयलनि अछि। वरिष्ठ चिकित्सक केसी शनि दिन शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में पत्रकार सम्मेलन के प्रधान न्यायाधीश पराजुली के राजीनामा माग कयलनि अछि। वो प्रधान न्यायाधीश पराजुली के नागरिकता शैक्षिक प्रमाण पत्र सब आ हुनक आधार में भेल नियुक्ति बदर के कानूनी कार्यवाही करे पड़बाक दावी समेत कयलनि अछि। वरिष्ठ चिकित्सक केसी प्रधान न्यायाधीश पराजुली गैरकानूनी ढंग से नागरिकता लेने पाओल गेल समेत उल्लेख करैत कार्यवाही के मांग कयलनि अछि। वो वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर सुरेंद्र भंडारी के जान मारे के धमकी देने विषय के उजुरी के संबंध में कॉल डिटेल तथा वॉइस रिकॉर्ड मंगाब के लगात के काज क गंभीरतापूर्वक अनुसंधान कर समेत सरकार के ध्यान आकर्षण करोले। विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने गरी अनुचित चलखेल गरिरहेको र अहिले पनि विवादास्पद कार्यहरू गरिरहेको हुनाले प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले दूषित रूपमा प्राप्त गरेका नागरिकताका प्रतिनिधिहरू शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू तथा तिनका आधारमा भएका नियुक्ति बदल गरी उहाँलाई कानुनी कारवाही गरियोस्। उहाँलाई विपक्षी बनाई ल्याइएको अदालतको अवमानना मुद्दा तत्काल दर्ता गरी कारवाही अगाडि बढाइयोस्। उहाँले वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको विषयको उजुरीका सम्बन्धमा कल डिटेल तथा भाइस रेकर्ड झिकाउने लगायतका कार्य गरी गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरियोस्।
उहाँका विवादास्पद नागरिकता तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी अभिलेखहरूको सूचना तत्काल उपलब्ध गराइयोस्। वरिष्ठ चिकित्सक केसी न्यायालयमा रुपैयाँ आसक्ति के बोलबाला रहल पुष्टि भेल दावी करैत प्रधान न्यायाधीश पराजुली विरुद्ध आन्दोलन करैत जेबाक समेत चेतावनी देने छलथि। त्रिशुली नदीमे बेपत्ता भेल सिंचाई मंत्रालय के सचिव रामानंद प्रसाद यादव के शव निकालल गेल अछि। बादुझ 3140 नंबर के सिंचाई मंत्रालय के जीप काठमांडू से आबक क्रम में सेन दिन भोर में धादिंग के बेनीघाट रोलांग गांवपालिका 3 के संगलांग घाट से त्रिशुली नदी में बेपत्ता भेल सचिव यादव के शव नदी में डूब रहल जीप से निकालल गेल अछि। ड्राइवर सीट से सीट बेल्ट काटि के यादव के शव निकालल गेला से जीप सचिव यादवे चलबैत काल दुर्घटना में पड़ल हो सकबाक पुलिस के आशंका अछि। जीप में सवार सचिव यादव के लड़का संजय यादव अन्य एक गोटे किशोरी के समेत शव निकाल के अवस्था नहीं रहल अछि। जीप डूबल ठाम में एकदमे छोट आ दिक्कत भेला से नदी से जीप बाहर निकाल के अवस्था नहीं रहल बताओल गेल अछि। सशस्त्र पुलिस के उद्धार टोली डूब रहल जीप से सचिव यादव के शव निकालल गेल रहितो अत्याधिक ठंडा आ पानी भीतर जीप एकदमे दिक्कत ठाव में रहला से अन्य शव निकाल में दिक्कत भ रहल जनाओल गेल अछि। जीप के चालक घायल अवस्था में बरामद भेल अछि। मिथिलांचल में महाशिवरात्रि पावनि आगामी फागुन 2 गते कयल जायत। मिथिलांचलक पंडित लोकनि फागुन 1 गते महाशिवरात्रि में महाशिवरात्रि व्रत करय निमिलत बतौलनि अछि। पंडित गणेश झा के अनुसार मंगल दिन राति में 10:30 के बाद चतुर्दशी पर्व भेला से ओहि दिन महाशिवरात्रि व्रत के लेल उपयुक्त नहीं अछि। सूचना तथा संचार मंत्रालय आ सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित मात्रा में फागुन 1 गते त्रयोदशी लिखल गेल रहित ओहि दिन महाशिवरात्रि के सार्वजनिक विदा देल गेल अछि। पंडित झा के अनुसार फागुन 1 गते राति में 10:30 धरि त्रयोदशी रहला के कारण ओहि दिन महाशिवरात्रि व्रत नहीं कयल जा सकबाक धारणा रखलनि। पशुपति क्षेत्र विकास कोष महाशिवरात्रि मेला के अंतिम चरण में पहुंचल आ तैयारी पूरा कर रहल जनौलक अछि। कोष के सदस्य सचिव डॉक्टर प्रदीप ढकाल महाशिवरात्रि मेला के तैयारी अंतिम चरण में पहुंचल जानकारी करौने छथि। ओ मेला के लेल आवश्यक दर्शन सुरक्षा आवास आ स्वास्थ्य सब किसिम के व्यवस्थापन के काम अंतिम चरण में पहुंचल धारणा रखलनि अछि। दर्शन व्यवस्था त्यसपछि सुरक्षा व्यवस्था त्यसपछि आवास स्वास्थ्य लगायतको सम्पूर्ण पक्षमा चाहिँ हाम्रो कोषका साथीहरू अनि बाहिर भोलन्टियर अर्गनाइजेसनहरू सबै मिलेर चाहिँ व्यवस्था लगभग हामीहरू भनौँ अहिले आजको मितिसम्म यस चरणमा आइसक्दासम्म चाहिँ अब हामी तयारी अवस्थामा छौँ। सुरक्षाहरू कसरी प्रबन्ध मिलाउनु भएको छ स्वास्थ्यको? सुरक्षाको व्यवस्था नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना लगायत हाम्रो कोषका सुरक्षाकर्मीहरू सबैको समन्वयमा चाहिँ सुरक्षा व्यवस्थालाई पनि हामीले एक किसिमको फाइनल स्वरूप दिइसकेको छौँ र भोलिबाट नै एक किसिमको एहि वर्ष समेत दर्शन के लेल 3 ठाम से प्रवेश करबाक व्यवस्था मिलाओल गेल अछि। मित्र पार्क उमाकुंड आ पिंगला स्थान से दर्शन कर आबयवला व्यवस्था मिलाओल गेल समेत कोषक सदस्य सचिव ढकाल जानकारी करौने छथि। कोष रवि दिन से पशुपति क्षेत्र लगपास के सुरक्षाकर्मी परिचालन कयल जेबाक तैयारी समेत कयलक अछि। मेला में सुरक्षा के लेल नेपाल पुलिस सशस्त्र पुलिस आ नेपाली सेना समेत परिचालन कयल जेबाक कोष के योजना अछि। एहि वर्ष फागुन 1 गते महाशिवरात्रि मेला पड़ल अछि। मेलाक लेल भारत से समेत साधु संत सब काठमांडू पहुँच रहल अछि। हुनका सबके आवास आ खाना के व्यवस्था समेत कोष कर रहल अछि। तहिना कऽ कोष दर्शनार्थी के स्वास्थ्य में समस्या आओत तत्काल इलाज करब आवश्यक स्वास्थ्य शिविर समेत संचालन करय के तैयारी सब कर रहल अछि। महाशिवरात्रि एवं सैनिक दिवस के अवसर में आयोजित प्रधान सेनापति खुला मैराथन प्रतियोगिता में नेपाली सेनाक अमलदार कृष्ण बस्नेत प्रथम भेला अछि। बस्नेत 2:22:52 में निर्धारित 42.195 किलोमीटर दूरी पूरा कक प्रथम भेल छलनि। सशस्त्र पुलिस बल के गोपीचंद्र पार्की 2:25:37 में दौड़ पूरा कर दोसर आ नेपाली सेनाक अमरदार राजन खत्री 2:29:12 में दौड़ पूरा कर तेसर भेल छलनि। सैनिक मंच टूरी खेल में सैन दिन आयोजित मैराथन में प्रथम द्वितीय आ तृतीय होबयवला प्रतियोगी के प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्री नगद तथा शील्ड आ प्रमाणपत्र वितरण कयने छलथि।
प्रधान सेनापति क्षेत्री खुला म्याराथन में प्रथम स्थान हासिल के लिए अमरदार बस्नेत के पल्सर मोटरसाइकिल 1,00,000 नगद तथा शील्ड आ प्रमाण पत्र प्रदान कने छलन। तेना के दोसर भेल पार्की के 50,000 आ तेसर स्थान हासिल के अमलदार खत्री के 25,000 नगद प्रमाण पत्र देल गेल अछि। सिरहा जिलाक सिरहा नगरपालिका के 11 वर्षीय बचिया बलात्कृत भेल अछि। बचिया के बलात्कार के घटना गांव में मिलाब के प्रयत्न केने रहितो रक्तस्राव नहीं रुकल गेला के बाद अवस्था गंभीर भक अस्पताल पहुंचला के बाद मात्र 3 दिन के बाद घटना सार्वजनिक भेल अछि। घर के नजदीक में रहल गुहाली घर में पोरा राखल गेल बचिया के स्थानीय 24 वर्षीय सुरेश ठाकुर बृहस्पति दिन साँझ में मुंह बंद कर बलात्कार केने छल। बलात्कार के बाद अत्याधिक रक्तस्राव भेला पर हुनका तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल सिरहा पहुँचाओल गेल छल। 3 दिन के बाद मात्र घटना बाहर आयल अछि। प्रदेश नंबर 4 के सब मंत्रालय रवि दिन से संचालन में पोखरा में आबि रहल अछि। प्रदेश में मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय सहित आंतरिक मामला तथा कानून, आर्थिक मामला तथा योजना, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी भौतिक पूर्वाधार विकास आ सामाजिक विकास मंत्रालय स्थापना भऽ चुकल अछि। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय के प्रवक्ता झलक राम सुवेदी के अनुसार किछ मंत्रालय में सचिव जिम्मेवारी सम्हारि चुकल छथि। त आर्थिक मामला मंत्रालय के सचिव विष्णुराज ढकाल, भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय के सचिव भरत प्रसाद अरियाल, सामाजिक विकास मंत्रालय के सचिव कृष्ण कुमारी नेपाने रवि दिन जिम्मेवारी सम्हारे के कार्यक्रम अछि। स्वागत अछि अपन न्यूज में आब ने बाकी समाचार। रजौल समाज सेवा समिति द्वारा आयोजित साप्ताहिक सरसफाई कार्यक्रम के शनि दिन समेत निरंतरता देल गेल अछि। जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 13 रजौल में प्रत्येक शनि दिन जेहने आय समेत सरसफाई कार्यक्रम कयल गेल अछि। सरसफाई कार्यक्रम में स्थानीय नागरिक समाज के समेत सक्रिय सहभागिता छल। गाँव जेका देखवला रजौल सहितक ओहि वार्ड में सरसफाई प्रति के आकर्षण आ ओकर फायदा के विषय में जनचेतना जगाब प्रत्येक शनि दिन सरसफाई आ ओहि में सहभागिता के लेल माइकिंग समेत कयल जा रहल युवा लोकन बतौलन। मेन बात कहबे तो एहिठाम अखनी जे एहिठाम के स्थानीय बासिंदा सब हुनका सबमे अखनी ओते अति के सरसफाई सम्बन्धी अथवा जनचेतना नहीं जागल छै। हमसब अखनी युवा सब की मकसद से अगाड़ी बढ़ रहल छी कि कम से कम एहिठाम के जनचेतना जगा अभिवृद्धि करा दी तेकर लक एकरा सब कम से कम अखनी हमसब अपने कार्यक्रम कर रहल छी। हमरा सबके कार्यक्रम कंटिन्यू रहते तकर बाद में एकरा सब कम से कम हिस्सा लागि जेतै ने सरसफाई के हिस्सा लागि जेतै तो ई सब सब अपने ई सब करते ई चीज में अगाड़ी बढ़तै। सफाई कार्यक्रम में सुरक्षा निकाय तैना नागरिक समाज बुद्धिजीवी युवा महिला व्यापारी कर्मचारी तथा राजनीतिक दलक नेता सबक समेत सहभागिता छल। स्वच्छ रजौल समाज सरसफाई अभियान के निरंतरता दऽ रहल अछि। तैना लक्ष्मीनिया गाँवपालिका वार्ड नंबर 1 सोहनी में समेत सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न भेल। सोहनी स्थित सोनामाई टोल सोनामाई गोरधैन पोखरि के साथे स्थानीय विद्यालय में समेत सरसफाई कयल गेल छल। साथे ओहि अवसर में आम के गाछ सब समेत वृक्षारोपण कयल गेल छल। ओहि अवसर में प्रदेश सभा सदस्य एवं सफाई अभियानी रामाशीष यादव द्वारा स्थानीय सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर के पुजारी भोला यादव के सरसफाई सामग्री सब वितरण कयल गेल छल। पोखरि के समेत वृहत सरसफाई कयल गेल छल। कार्यक्रम में स्कूल के विद्यार्थी सबक स्थानीय भद्रभला आदमी सबके आ स्थानीय सबके समेत सहभागिता छलन। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य ज्ञान कुमार यादव सोनामा युवा क्लब के पदाधिकारी सदस्य लोकन सहित के उपस्थिति छल। असहाय समरक्षक मंच जनकपुर के अगुवाई में आय समेत जनकपुर के मुख्य चौक सब में टाँसल गेल पर्चा पंपलेट आ पोस्टर सब सफाई कयल गेल अछि। सफाई के काम में असहाय समरक्षण मंच के जनकपुरक व्यवसायी युवा लोकन के साथे सुरक्षाकर्मी समेत सहयोग कर रहल अछि। धनसाक प्रहरी उपरीक्षक चक्र बहादुर सिंह एहन सफाई के काम फोहर वा कही पोस्टर टाँसा वाला व्यक्ति सबके कर पड़बाक रहितो असहाय समरक्षक मंच तथा हुनक अध्यक्ष समाजसेवी बजनाथ शाह देखौने सक्रियता के सराहना कयने छलनि। अब नहटाइसकेपछि सबै हामी यो
समाजमा पनि सबैको दायित्व नै हुन्छ सफाई गर्ने त्यो भएर पनि असहाय शासन केन्द्र मञ्च हाम्रो वैज्ञानिक हुनुहुन्छ उहाँको सक्रिय सहभागितामा अहिले नगरलाई सफाई गर्ने जुन अभियान उहाँले चलाइराख्नु भएको छ मलाई त्यो अत्यन्तै राम्रो लागेर जुन हामीले अहिले प्रत्येक शनिबार विभिन्न ठाउँहरूमा पोस्टरहरू टाँसेको सफा गर्ने र अन्य नगर सफा गर्ने अभियानमा हामी पनि अहिले साथ दिइरहेको छौँ उहाँको जुन अभियानलाई प्रत्येक शनि दिन भोरमे असहाय संरक्षण मंच के अगुवाई में विभिन्न चौक सब में टाँसल गेन ओहन पर्चा पंपलेट आ फोहर सब के सफाई भरल धनुषाक शहीद नगर नगरपालिका में आई राहत वितरण काज सम्पन्न भेल शहीद नगर नगरपालिका के वार्ड नंबर 3 में रहल श्री जनता इकाई माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में वार्ड नंबर 2 के बाढ़ पीड़ित सब के गणतंत्र चीन के सहयोग में आयल राहत सामग्री सब वितरण कैल गेल उराहत वितरण कार्यक्रम में प्रमुख अतिथिक रूप में शहीद नगर नगरपालिका के मेयर उदय कुमार बरबरिया तथा वार्ड अध्यक्ष जयसी भिनवार लगायत सामुदायिक सुधार केन्द्र के प्रतिनिधि लोकन सुरक्षाकर्मी सबक उपस्थिति में गरीब तथा विपन्न सबके राहत वितरण कैल गेल बाढ़ से ग्रसित गरीब अपांग आ विपन्न समुदाय सबके 351 गोटे के ओहन राहत सामग्री सब वितरण कैल गेल दार्चुला में निर्माण सम्पन्न चमेलिया जलविद्युत आयोजना शनि दिन से उत्पादन शुरू कलक दार्चुला जिला के शैल्य शिखर नगरपालिका वार्ड नंबर 1 ब्लांच में निर्माण सम्पन्न 30 मेगावाट के चमेलिया जलविद्युत आयोजना के कार्यक्रम के बीच शनि दिन प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवा समुद्घाटन कलन आयोजना स्थल ब्लांच में आयोजित समुद्घाटन समारोह के संबोधन करते प्रधानमंत्री देवा सुदूर पश्चिम जल विद्युत में नेपाल के धनिक देश भेल बतौलन ओ सुदूरपश्चिम से उत्पादन होबय वाला विद्युत में पहिल एकटा सुदूरपश्चिमे के जनता के रहत कहित जल विद्युत आयोजना नजदीक के आदमी सब के निःशुल्क विद्युत उपलब्ध करेबाक उद्घोष कैले छलथि कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री कमल थापा 40% नेपाली एखन समेत विद्युत के पहुँच से वंचित रहल कहित 5 वर्ष भीतर प्रत्येक नेपाली के घर में बिजली पहुँचेबाक प्रतिबद्धता जाहिर कने छला विद्युत उत्पादन गृह परिवार के प्रत्येक नगरपालिका गाँवपालिका में बिजली पहुँचाब नेपाल विद्युत प्राधिकरण के आग्रह कने छलथि कर्मा छिरिङ शेर्पा अखिल नेपाल फुटबल संघ एनफा के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी घोषणा कलन काठमांडू में शनि दिन पत्रकार सम्मेलन का शेर्पा अध्यक्ष पद में उम्मीदवारी देवाक घोषणा कलन एनफा के पूर्व सीईओ तथा ए डिविजन क्लब संकटा के अध्यक्ष इंद्रमान तुलाधर के प्रस्ताव तथा वरिष्ठ फुटबल प्रशिक्षक कृष्ण थापा कर्मा के समर्थन कलन एनफा अध्यक्ष में इस आगे उम्मीदवारी घोषणा कने थापा उम्मीदवारी फिरता लेत कर्मा के समर्थन कलन एनफा के असंतुष्ट समूह के नेतृत्व कर रहा कर्मा गत वर्ष भेल मध्यावधि चुनाव में अध्यक्ष पद में नरेंद्र श्रेष्ठ संघ पराजित भेल छलै आब इंटरनेशनल न्यूज इजरायली सेना अपन एकटा लड़ाकू जेट विमान सीरिया में खसौने बतौलक सीरियाली एंटी एयरक्राफ्ट फायर के कारण अपन जहाज खसल इजरायली सेना जनौने खबर बीबीसी में आई दू गोटे पायलट पैरासूट के सहयोग से इजरायल में उतरा सफल भेल पैरासूट से अवतरण करे के क्रम में घायल भेल सैनिक के इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाओल गेल इजरायल के अनुसार अपन भूभाग में उड़ रहा ड्रोन के अनुसंधान कर F-16 नामक लड़ाकू विमान उड़ान भरने छल जोर्डन आ सीरिया संगे जोड़ल गेल इजरायली सीमा क्षेत्र लग पास में रह वाला नागरिक सब विस्फोट के आवाज सुनने धारणा रखने छल आब स्पोर्ट्स न्यूज दोसर शहीद कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में विराटनगर के विराट क्रिकेट टीम आयोजक जनकपुर के 21 रन से पराजित कर सुखद शुरुआत कलक मधेश आंदोलन के शहीद सबक सम्मान में राजपा नेपाल के युवा संघ जनकपुर द्वारा जनकपुर के 12 बीघा रंगभूमि मैदान में आई से शुरू भेल दोसर शहीद कप क्रिकेट टूर्नामेंट T20 के पहल खेल में प्रदेश नंबर 1 के राजधानी विराटनगर प्रदेश नंबर 2 के राजधानी जनकपुर के पराजित कलक खेल देखा वाला सबके दर्शक सबके भीड़ भाड़ देखल गेल खेल
केस लागया है। ये दो संसारी टस हारेका ब्याटिङ केले विराटनगर 7 विकेटका क्षतिमा 123 रनको योगफल तयार गर्ने छल। विराटनगरको लागि दिपेन्द्र चौधरी 50, सुनील धमला 17, मीनास थापा 16 रन जोड्ने छल। बलिदेश जनकपुरका रामनरेश गिरी 2, दिव्यांशु मल्लिक, संजोग कर्ण, हरिशंकर शाह, समसद शेख 1-1 विकेट लेने छले। 124 रनको विजय लक्ष्य सहित मैदानमा उत्रल जनकपुर टोली निर्धारित विश्व ओभरमा 6 विकेट गुमाएका मात्रै 102 रन जोड्न सकलाका बाद विराटनगर सहज जित हात पार सफल भेल छल। जनकपुरको ओपनर ब्याट्सम्यान अनिल मण्डल 0 रनमै आउट भेलाका बाद जनकपुर टिम लर्खरा गेल छ। जनकपुरको लेल समसद शेख 37 बलमै 2 चौका 3 छक्काको मद्दतसँग सर्वाधिक 48 रन जोड्ने छल। आहारी शंकर शाह 12, तेना रामनरेश गिरी 11 रन जोड्ने छल। अन्य कोनो ब्याट्सम्यान क्रिच पर्नी टिक्न सकल। विराटनगरको लेल सदब अख्तर 3, असरलन अख्तर 2 आ फिरोज अंसारी 1 विकेट लेने छ। कोलका पहिल खेल विराटनगर आरिकी 11 मधुबनी बिहार भारत बीच हैत त दोसर खेल जनकपुर आ बीरगंज बीच हैत। जनकपुर आ बीरगंज के खेल रोचक होयबाक समेत बताओल गेल अछि। एहि सागु प्रतियोगिताक उद्घाटन सहित परिवार के सदस्य लोकनि केने छलथि। आयोजक समिति के संयोजक रूपेश कुमार सिंह के अध्यक्षता में भेल उद्घाटन समारोह में तेसर मधेश आंदोलन के शहीद दिलीप यादव के पिता रामनरेश यादव, शहीद नीतू यादव के भैया रफू यादव, शहीद संजय चौधरी के बहिन ममता चौधरी सब संयुक्त रूप में प्रतियोगिताक उद्घाटन केने छलनि। उद्घाटन समारोह में मधेसी दल के सांसद आ प्रदेशसभा सांसद लोकन के सहभागिता छलनि। प्रतियोगिताक प्रथम विजेता के 1,11,000 नगद सहित ट्रफी तथा दोसर होवला टीम के 55,000 नगद तथा ट्रफी प्रदान कयल जायत। प्रतियोगिता में नेपाल भारत के 8 टीम सभक सहभागिता अछि। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी संविधान संशोधन क चुनाव कर नेपाल क्रिकेट संघ के 50 दिन के समय देलक अछि। भर्खरे नेपाल आयल आईसीसी के टोली विधान में देखल गेल विवाद के विषय में जानकारी लेने छल। लगते राखेप निर्वाचित कैन आ सलाहकार समूह के संयोजक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन का क्रिकेट विवाद समाधान के मिलन बिंदु पत्ता लगाने घोषणा कलक। आईसीसी के बोर्ड विचार से नेपाल के विधान संशोधन कर मार्च धर के समय तोकल गेल। प्रदेश नंबर 2 में मधेसी गठबंधनक सरकार बनबाक निश्चित, फोरम आ राजपा नेपाल बीच सहमति जुटल। अपना ऊपर बैंक प्रहार नहीं करब माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष प्रचंडक चेतावनी, कखनो बदलल जा सकैए कहब। नेपाल के व्यापार घाटा बढ़ गेल में उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन द्वारा चिंता व्यक्त, चीन संगे के व्यापार में वृद्धि हो गेल में खुशी। वरिष्ठ चिकित्सक केसी द्वारा प्रधान न्यायाधीश पराजुली के राजीनामा मांग, नियुक्ति बदर क कानूनी कार्यवाही करा पर बात दावी। आज जनकपुर के पराजित करत विराटनगर जीतलक दोसर शहीद कप के उद्घाटन मैच। अपन न्यूज एखन के लिए एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।